हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 13.2। आज हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। आपको बेटा ये दो फिगर दे रखे हैं। क्वेश्चन में आपसे कहा है आप बेटा किसी शीट या पेपर को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। ये मैंने फोल्ड कर लिया। फिर उन्होंने कहा बेटा आप इस तरह से इसमें डिज़ाइन बनाइए और बेटा इसे काट दीजिए। जब आप काटेंगे तो आप जब पेपर को खोलोगे आपको कैसी डिज़ाइन मिलेगी, यहाँ आपको बनाना है, ठीक है। अब उन्होंने कहा है ये डॉटेड सी जो लाइन है बेटा ये सिमेट्रिकल लाइन है, सममित रेखा है। अब बेटा हम ये पेपर को फोल्ड कर लेते हैं, ये कर लिया। अब बेटा हम इसे क्या करेंगे, काटेंगे। ये शेप बेटा इसमें कटेगा। चलिए अब हम इसे काटते हैं। ये बेटा मैंने इसे काट दिया। अब आपसे कहा है जब आप पेपर को खोलोगे आपको कैसी डिज़ाइन मिली, तो बेटा आप ध्यान दो यहाँ जो शेप था बेटा वही शेप आपको मिला और ये क्या हो गई, ये बेटा सिमेट्रिकल लाइन हो गई। उन्होंने कहा जब आप ऐसा करो तो आपको जो परिणाम मिले इसे आपको यहाँ पे बनाना है, इस फिगर को कंप्लीट करना है। तो आप ध्यान दीजिए आपको ये वाला हिस्सा तो वैसा ही मिला, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ जो डिज़ाइन है बेटा यहाँ मिली। अब इसे हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है स्केल की हेल्प से। ये देखिए ये देखिए इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बच्चों इधर वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको बेटा इस क्वेश्चन में कहा है पेपर को या शीट को इस तरह से आप फोल्ड कर लो, ठीक है। फिर ये डिज़ाइन आपको क्या करना है, कट करना है। ये डिज़ाइन हम कट करेंगे। कट करने के बाद जब आप पेपर को खोलोगे तो आपको जो डिज़ाइन यहाँ मिलेगी वो यहाँ हमें बनाना है, ठीक है। और आपसे कहा है ये जो ग्रीन लाइन है ये क्या है, सिमेट्रिकल लाइन। तो पेपर को जो फोल्ड करा है ये जो है ये क्या बन गई, सिमेट्रिकल लाइन। अब हम बेटा इसे कट कर देते हैं। ये मैंने कट कर दिया। अब हम पेपर को खोल के देखते हैं। ये खोल दिया, आपको क्या दिखा बेटा, ये पेपर का ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये रहा बेटा, ठीक है। और ये जो डिज़ाइन है बेटा वही डिज़ाइन क्या बनी, नीचे भी बनी। अब हम क्या करेंगे, यही डिज़ाइन बेटा नीचे बनाएंगे। अब इसे हम देख के यहाँ पे इस फिगर को कंप्लीट करते हैं। से बच्चों फिगर कंप्लीट हो गया।